अभी देखो, या आपको लग रहा होगा सन किस कर रहा है, बट सन नहीं किस कर रहा है, हीटर किस कर रहा है हमें। 1 2 3 स्टार्ट। ये वादियाँ इंजॉइंग आवर लाइफ इन ठंड, जिंदगी झंड। बट अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें रात को स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी एंड मैं जस्ट अभी उठा हूँ और देखो क्या मिला है हमें सुबह सुबह। तो सारा कुछ स्नो से ढका हुआ है, ये देखो ऊपर सब कुछ, वहाँ पे सब कुछ कितना मस्त लग रहा है ओपी। वैसे मैंने सोचा था मैं ब्लॉग तैयार होके फिर स्टार्ट कर दूंगा, बट फिर मैंने ये जब देखा ना, फिर मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर देता हूँ, आप सबको दिखाता हूँ क्योंकि शायद थोड़ी देर में पिघल जाएगी तो इसीलिए। और काफ़ी मस्त लग रही है एंड पहले थोड़ा सा फ्रेश वगैरह बोलता हूँ, मैं सीधा उठ के आ गया हूँ और एकदम मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और बाकी सब अभी तक सो रहे हैं, दिखाता हूँ। मुझे सो नहीं रहे, अपना अंदर बैठे हुए हैं। उठ जाओ गाइस, उठ जाओ बच्चों। अच्छा नोनी उठ गई है, राज बॉय सो रहा है। राज भैया उठ जाओ, बर्फ चली गई, वो देख सारी बर्फ तो पिघल गई, स्टोरी तो डाल ले। इशिता तो कर सकती है, और खोल खोल के आजा गेट। अरे ये डरते नहीं है सीधा डॉगी। हाँ, तेरी हाय। चलिए मैं तैयार हो चुका हूँ एंड बाकी सब भी तैयार हो चुके हैं और अब हम इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। और अंकल तैयार हो गया, ये तो अभी सारा लगेज वगैरह मेरा सामान एंड जस्ट निकल रहे हैं हम ट्रैकिंग के लिए। और आज बहुत ही मजे आने वाले, ट्रैकिंग करेंगे, बर्फ में भी जाएंगे शायद। आज यहाँ वाली बर्फ सारी पिघल चुकी है, देखो जो मैंने कहा था सारी पिघल चुकी है, ऊपर की रह गई है थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी सी है, बाकी सब पिघल चुकी है जो पूरा भरा हुआ था यहाँ। तो आज हम असली बर्फ देखेंगे जो भरी हुई होगी शायद, अभी पता नहीं, वो कल देखेंगे आज देखेंगे, देखते हुए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल तो ऐसे निकलते हैं, चलो। हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे और यहाँ पूरे रास्ते में तो इतनी फिसलन हो रही है, ऊपर से स्नो ही स्नो रखी है। अंकल वगैरह साफ कर रहे हैं वहाँ पे, ये देखो स्नो, बिल्कुल ताजी स्नो है, बहुत ज्यादा फिसलन भी है यहाँ। हाय हाय, आगे का रास्ता थोड़ा साफ हो रहा है तो अभी हमने बीच में दोबारा रोकी है एंड ये यहाँ पे मजे कर रहे हैं। ओ खट्टा ब्लॉगर भाई, थोड़ा साइड हो, साइड आने के लिए तो देगा। ओ देखो स्नोफॉल हो रही है, बहुत छोटी छोटी हो रही है, बट स्नोफॉल नहीं हो रही है, गिर तो फिर भी करूँ क्या मैं, ना वो आप ऐसे लोग करूँगी तेरी Yeah, Raj. क्या लगातार खींची जा रही है उन्होंने बोला लगातार खींच लेती खींचो खींचो पैर आ रहे हैं स्ट्रगल मेरी स्ट्रेचिंग कर दी एक फोटो लेने के लिए आंटी स्ट्रगल मिंकू तेरे बजेगा मिंकू, ये है मिंकू। आज चुप रहो, ये अब देखना इसका BTS यमन इसके मारेगा स्नो, बदला ले रहा हूं। हां 1 2 3 गो गाइस, ये स्नो देख के ना मुझे ना एक गाना याद आ रहा है, सुनाता हूं। 1 2 3 स्टार्ट। ये वादियां लगाई तेरी, ओ भाई गया
अंकल मस्त ऐसा लग रहा है टैडी सा चलता हुआ जा रहा है। राजपाल ये गाड़ी यहाँ पे थोड़ी सी फिसलने को हो गई थी तो यहाँ पे रोकी है। ये देखो आकाश की बात सुन, बहुत ज्यादा ही रिस्की है थोड़ा सा यहाँ पे तो इसीलिए यहीं पे रोक दी। ओह फिसलने यहाँ पे गाइस, अभी थोड़ी सीरियस कंडीशन चल रही है। एक्चुअली हमारी जो ट्रैवलर थी यहाँ पे फिसलने को हो गई है, मतलब बहुत मुश्किल से इसे सही करा है। और मतलब अंदर जब हम बैठे हुए थे ना हमारे को इतना ज़्यादा डर लगा, ये ऐसे फिसल के आ रही थी, फिर एकदम से भैया ने ब्रेक मारा और यहाँ पे भी पत्थर रखे हैं जिससे फिसले ना। और अभी फिलहाल ये बीच में अटक चुकी है क्योंकि ना ये ऊपर जाएगी और अगर पीछे आएगी तो फिसल के कुछ नहीं पता, गिर भी सकते तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ऐसे अभी यहीं पर स्टॉप कर दिया। चल के जाना पड़ेगा ऊपर तक। अब हमारे को 400 मीटर चल के जाना है अपने होटल तक, मतलब जो भी है। तो मज़ा आएगा, स्नो है ना हर जगह भाई, ये भी तो रिस्की है मुझे तो यही देख के मेरे को इतना डर लग गया ना आज। सब कुछ किस्मत के ऊपर और यहाँ बहुत ज्यादा फिसले ना क्योंकि यहाँ पे ना धूप नहीं आई, बाकी सारे एरिया में धूप आ गई तो वहाँ की आएगी भी नहीं, वो कह रहे हैं वहाँ की स्नो पिघल गई थी बट यहाँ की पिघल नहीं रही है। वो देखो वहाँ पे भी सभी फिसल रहे हैं। गाड़ी में बिल्कुल भी कुछ ना करना अभी। और यहाँ चलिए हम यहाँ पे हमसे ये देखो यहाँ तो इधर तो गलत चल रहा है, राज गलत चल रहा है, तो संभल ले रही है। इधर आओ, इधर बेटे मैं संभला हुआ हूँ, तू इधर आ। अभी पता लगा गाड़ी को यहीं रख रहे हैं और अपना जो सामान वगैरह है वो गाड़ी में रख के जो मेन मेन चीजें हैं वो लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा मतलब जो रूम है सिर्फ 400 मीटर दूर है यहाँ से, तो हम सब पैदल जा रहे हैं ऊपर और यहीं खड़ी रहेगी। भाई साहब अब बहुत ज़्यादा डर लग गया था क्योंकि इसे जब पीछे कर रहे थे ना यहाँ से फिसलन हो गई थी, एक जगह स्टक हो गई थी, तो जब इसे पीछे कर रहे थे तो ये एकदम से फिसलती वहाँ तक जा रही थी, वो बस किसी तरह बच गई और फिर अब यहाँ पे खड़ी है। तो या जस्ट अभी ऊपर जा रहे हैं एंड आज बहुत ज़्यादा डर लगा मुझे पहली बार बहुत। वो खड़ी है हमारी ट्रैवलर, गाइस पंछी बनू उड़ते फिरूं मस्त गगन में, पीती है पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, फाइनली हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे एंड बहुत ज्यादा ही मस्त है। ये देखो हमारा रूम, अंदर इतनी खुशी तो हो गई गाइस, देखो क्या व्यू है यहाँ से। ओ नाइस, ये एक्चुअली ना ट्री हाउस है तो काफी मस्त जगह है ये। ये देखो यहाँ से सारा व्यू दिखता है, ये दीदी भी दिखा रही है रूम, यहाँ पे वॉशरूम है। अब नेक्स्ट वाले में जाते हैं, ये हमारे रूम से। ओह वाओ सेकंड वाला यहाँ पे है। वाओ वाह स्पीकर भी है, डांस करें इसमें, ये वाला मेरे को आता है यार, यहाँ पे पूरा चिल वाली वाइब्स है एकदम शोर। भैया से हाय हाय, तो अभी हम आए हैं कुछ खाना खाने एंड ये वो मतलब यहीं पे खाने का भी सीन है जहाँ पे गेम वगैरह का है ना। ये देखो ये खेलने में बैठ गए क्या, मैं भी खेलूंगा। खाना भी आ चुका है, देखो सब कैसे खा रहे हैं। अरे वो जो फिसली थी नहीं, आज तुम दोनों बच गए बेटे। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं हमारे रूम में, एक्चुअली लाइट नहीं आ रही तो हम इस बल्ब का इंतजार, मतलब बल्ब है क्या है, इंतजार कर इंतजाम कर इंतजाम कर इस लैंप का इंतजाम लैंप का। और ये देखो
ये ठंड जो इतने फन कर रहे थे बाहर, ये देखो इनकी सच्चाई लोग। सच्चाई क्या, तेरे भी तो यही हाल है, तू भी तो फन करता है बहुत। ओह माय गॉड, सच्चाई तेरी भी यही है भाई, सच्चाई छुप नहीं सकती। यहाँ पे ना भूत की बातें करते हैं, भूतों की बातें। आओ। एक ना भूत था, वो ना ठंड के मारे मर गया। ये बढ़िया है, ठीक है। अंकल कंफर्म है दुनिया में से हमें बहुत ठंड लग रही है शायद। सारे ऐसे डरावने लग रहे हैं ना इस टाइम। उस भूत को ना बहुत ठंड लगती है। शायद वो भूत हम ही हैं। एक बेड है और पांच लोग हैं। कैसे एडजस्ट हो रखे हैं, कैसे एडजस्ट हो रखे हैं ये देखो। ओह माय गॉड, कहाँ है दिखेंगे क्या? ये रे, ये देखो अंकल, अंकल यहाँ मेरे पैरों का मूवमेंट दिख रहा है। इशिता, ये चेता और ये मेरे पैर है वहाँ पे, मेरे पैर भी है और हम दोनों है यहाँ पे क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, लाइट आ नहीं रही है और ये कैमरा भी ब्लर हो चुका है। वाओ, कितना ब्लर है यार। नहीं अब सही हो गया। इंजॉइंग आवर लाइफ इन ठंड, जिंदगी झंड। कोई नहीं, तब भी ना भी नहीं घटनी चाहिए, सो जाते हैं। अभी रात का टाइम हो चुका है एंड अभी हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने, मतलब अपना डिनर करने, और अब होएंगी फुल मस्ती, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। और क्या, ये बंदा भाई साहब इतनी देर तक सोया है ना, बंदे ने इतने खराटे मारे हैं। मैं खराटे नहीं मारता, ठीक है, दिखा दो वीडियो, यहीं साइड में अपलोड कर दो ना। कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, एक घंटा सोया मैं। और उसमें इंसान जब सुबह से सोया हुआ नहीं होता ना, उसके बाद ऐसे ही होता है, बहुत थका हुआ इंसान है ना बेचारे ने, सुबह स्नो देखी है, ये रात को भी सो गया था और सुबह भी लेट उठा है। तो यार अपनी वीडियो में भी रोस्ट होता हूँ, यहाँ भी रोस्ट हो रहा हूँ, सब में हो जा। मैं तो जा रहा हूँ यार। गाइस अभी बहुत मस्ती होने वाली है क्योंकि ना अभी हम यहाँ पे गेम्स वगैरह भी खेलेंगे एंड नाचेंगे भी, खाना भी, और दिखाता हूँ मैं यहाँ की वाइब कितनी बढ़िया है। ये देखो, वाह, यहाँ पे बैठ के खा पी सकते हैं। और ठीक है, मैं क्या खोल खोल अंदर की तरफ खोल, ये देखो फुल वाइब सीन। देख रहे हो पापा के फोन पे कैसे इनकी थर थर कांप जाते हैं लोग। चाय वाला राज, चाय बेच के दिखा। चाय 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 ले लो, चाय नमकीन बिस्कुट ले लो, नमकीन बिस्किट एकदम मस्त खाके। अरे चाय भी पॉपकॉर्न बेच रही है आंटी। चाय चाय रद्दी लोहा बेच, लोहा बेच चाय चाय। Have a great journey. हाथ धोने वाली journey अच्छी होनी चाहिए।
नहीं राज का कहना है कि वॉशरूम जाते हैं तो हाथ ही धोने चाहिए। याद है तूने बस में कहा था हाथ धोने पड़ेंगे। मैंने कहा हर बार याद नहीं होती है यार, इतनी ठंड में पागल। कह रहा है सैनिटाइजर आ गया है, जैसे गर्म पानी आ रहा है। गर्म पानी आ रहा है भाई। उनकी डोरी से तारीफे बुन लेना। आ चुके हैं रूम में वापस और वहाँ बहुत मजा आया खेल खुल के। ये देखो फाइव स्टार मिल गए, इतने खुश हो जाते बच्चे। और यार मजा आ गया, बहुत गरीब हो चुके फुल डांस करके आए। और अभी देखो ये आपको लग रहा होगा सन किस कर रहा है, बट सन नहीं किस कर रहा है, हीटर किस कर रहा है। हमें सारे ऐसे बैठे रहे इसके पास जैसे भिखारी होते ना। चॉकलेट देख कैसे हो गए, सबसे बड़ा भिखारी। चॉकलेट देखो दिखा दो, देखो ये चॉकलेट का हाल हो गया बिचारी का। इतनी फ्रिज में ठंडी नहीं होती, इससे बुरा हमारा हाल है। पकड़ो सब आदि आदि। मैंने नहीं खानी। ले नेरा मैंने खानी है। टाइम गाइस, ये बंदा तो सो रहा है, ये बंदा मेरा नहीं बन्नी मेरी, ये ढोलू बैठा हुआ है। ये दो ढोले बैठे हुए हैं, ढोले ये देखो। ये एक काम करो तुम दोनों ना, सॉक्स उतार लो और एक दूसरे को ठंडे ठंडे पैर मारना। फिर यही कर रही है ये। नहीं मेरी वीडियो भी है, हमारी वीडियो भी ऐसी पे। ओ हाँ आपने बनाई थी। तोरे वाह वो ऐसे ही शुरू हो गए थे पता है, सच में वीडियो में हम लड़ाई करने लग गए थे सच में। कुछ बोलना चाहोगे इस ट्रिप के बारे में? सो फार सो गुड। और आज जो हुआ ड्राइवर वाला सीन, कोई बात नहीं हम बच गए बस। अच्छा अमन ने इस टाइम सस्ता कबीर सिंह लग रहा है। नहीं सस्ता नहीं भाई, मैं महंगे वाला हूँ। नहीं यार असली वाला नहीं है। दद्दू रणवीर स्माइल, रणवीर ने मेरी कॉपी करी थी। रणवीर है ना, शाहिद 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 ने मेरी कॉपी करी थी। लड़कियों का पता है, ये नहीं पता कबीर सिंह में हीरो। सारी लड़कियां पता है भाई, ए टू जेड। अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, 4 बजने वाले, मतलब 3:30 तो हो गए। एंड अब काफी ज्यादा नींद भी आ रही है, और हम लोगों ने खेल भी लिया है, मस्ती वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो जस्ट अभी सो रहे हैं और इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, डे 2 का ब्लॉग। तो आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मैं नींद में हूँ क्योंकि अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय टाटा, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। गुड नाइट।